मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 25 जुलाई को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। करीब 11 विभागों में 260 पदों के लिए 3,44,491 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा के लिए 1,011 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कोविड और नॉन कोविड सेंटर अलग अलग बनाए हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2020 पूर्व में अप्रैल माह में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित किया गया था। अब ये परीक्षा 25 जुलाई को आयोजित की जा रही है। परीक्षा के एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए गए थे। परीक्षा के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन संक्रमितों के लिए अलग से परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य किया है। बहरहाल परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। हाँ, 25 जुलाई को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश में 3,44,491 छात्र सहभागी हो रहे हैं और 52 जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन है, जिसके लिए 947 सामान्य केंद्र बनाए गए हैं एवं कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संक्रमित यदि कोई अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो उनके लिए 64 परीक्षा केंद्रों का, जब हर जिले पर कम से कम एक कोरोना केंद्र कोरोना के परीक्षार्थियों हेतु केंद्र बनाया गया है। इस प्रकार 64 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं परीक्षार्थियों की संख्या की दृष्टि से। वो पूर्णतया खाली होंगे, जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, अपने आप को रिपोर्ट करता है तो उसे उस केंद्र पर परीक्षा देने के लिए सुविधाएं, सारी मेडिकल सुविधाओं के साथ वहां पर व्यवस्थाएं की जाएंगी।